हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर, TRF रिसीवर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये आपका यूनिट 2 लेक्चर 2 है, रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। तो ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर जो है, ये आपका सबसे सिंपलेस्ट टाइप का रिसीवर है, हम लोग डिफरेंट टाइप का रिसीवर देखे थे, रेडियो रिसीवर डिपेंडेंस अपॉन फंडामेंटल एस्पेक्ट में हम लोग दो टाइप देखे थे, ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर और सुपर हेटरोडाइन रिसीवर। तो हम लोग सबसे पहले ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर देखेंगे। तो ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर का अगर आप ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए, ये ब्लॉक डायग्राम है ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर का, TRF रिसीवर, शॉर्ट में हम लोग इसको TRF बोलते हैं, ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर। अब देखिए, अगर आप TRF रिसीवर देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एंटीना है। एंटीना क्या करेगा, जो सिग्नल ट्रांसमिट होगा उसको सबसे पहले एंटीना क्या करेगा, रिसीव करेगा। जैसे कि आपके घर में जो आपका DTH है, टाटा स्काई है, ये क्या है, रिसीविंग एंटीना है। तो सबसे पहले रिसीविंग एंटीना क्या करेगा, रिसीव करेगा। रिसीव करके किसको दे देगा, RF स्टेज को। RF स्टेज में दो तीन जो है RF एम्पलीफायर लगा रहता है, दो तीन स्टेज में RF एम्पलीफायर रहता है। तो RF स्टेज का मुख्य काम क्या है, वो जो डिजायर्ड सिग्नल है उसको सेलेक्ट करेगा और अनडिजायर्ड सिग्नल को रिजेक्ट कर देगा। तो डिजायर्ड सिग्नल को सेलेक्ट करेगा और उसको एम्पलीफाई करेगा। RF स्टेज क्या करेगा, जो आपका एंटीना सबसे पहले सिग्नल को रिसीव करेगा और उसके बाद क्या करेगा, RF स्टेज जो डिजायर्ड सिग्नल है उसको रिसीव करेगा और एम्पलीफाई कर देगा, और एम्पलीफाई करके फिर किसको दे देगा, डीमॉडुलेटर या डिटेक्टर, दोनों सेम चीज है, डीमॉडुलेटर को दे देगा। डीमॉडुलेटर क्या करेगा, जो आपका मॉडुलेटेड सिग्नल यहाँ पे आया RF स्टेज के पास, मॉडुलेटेड सिग्नल, क्योंकि मॉडुलेट करके इस सिग्नल को हम ट्रांसमिट करते हैं, तो ये जो मॉडुलेटेड सिग्नल आएगा उसको क्या करेगा, डीमॉडुलेटर डीमॉडुलेट कर देगा। मींस ओरिजिनल सिग्नल हमको मिल जाएगा, मॉडुलेटिंग सिग्नल मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका मॉडुलेटेड सिग्नल है, मींस मॉडुलेशन का बाद का सिग्नल है, और डीमॉडुलेटर क्या करेगा, मॉडुलेट कर देगा। मींस जो आपका प्योर सिग्नल है, जो ओरिजिनल सिग्नल है, वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है क्या मिलेगा, आपको मॉडुलेटिंग सिग्नल मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, मॉडुलेटिंग सिग्नल या बेसबैंड सिग्नल या ऑडियो सिग्नल, सब इसी का नाम है, या मैसेज सिग्नल, मॉडुलेटिंग सिग्नल। आफ्टर डीमॉडुलेशन हमको क्या मिलेगा, मॉडुलेटिंग सिग्नल। अब देखिए, ये मॉडुलेटिंग सिग्नल को, या ऑडियो सिग्नल बोलिए, ऑडियो सिग्नल को क्या करेगा, ऑडियो एम्पलीफायर एम्पलीफाई कर देगा, और एम्पलीफाई करके किसको दे देगा, ऑडियो पावर एम्पलीफायर को, और फिर ऑडियो पावर एम्पलीफायर क्या करेगा, इसको और एम्पलीफाई कर देगा डिजायर्ड पावर लेवल तक, जहां पे आपका क्या होगा, लाउड स्पीकर काम करना शुरू होगा, क्योंकि लो वोल्टेज रहेगा तो लाउड स्पीकर क्या होगा, काम नहीं करेगा। तो ये क्या करेगा, पावर लेवल में एम्पलीफाई करेगा, यहाँ पे पावर एम्पलीफायर का यूज किया है, तो वो आपको एम्पलीफाई कर देगा इस स्टेज पर, जहां पे आपका लाउड स्पीकर क्या होगा, वर्क करेगा। और लास्ट में लाउड स्पीकर लगा हुआ है। लाउड स्पीकर क्या है, एक आपका ट्रांसड्यूसर है, जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो ये आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर है। अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है, ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर, TRF रिसीवर इज द सिंपलेस्ट रेडियो रिसीवर। ये सबसे सिंपलेस्ट रेडियो रिसीवर है, द वेरी फर्स्ट ब्लॉक ऑफ दिस रिसीवर इज एन RF स्टेज। द वेरी फर्स्ट ब्लॉक का मतलब सबसे पहला, तो देखिए यहां पे ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहला ब्लॉक जो है वो कौन सा है, RF स्टेज। सबसे पहला ब्लॉक RF स्टेज है। दिस स्टेज जनरली कंटेन्स 2 or 3 RF एम्पलीफायर। ये जो आपका RF स्टेज है, इसमें जनरली 2 to 3 RF एम्पलीफायर लगा रहता है। दीज RF मीन्स रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर आर ट्यून्ड RF एम्पलीफायर। ये कौन सा एम्पलीफायर होता है, जो आपका RF एम्पलीफायर है, ये ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर है, मीन्स ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर है। दैट इज दे हैव वेरिएबल ट्यून्ड सर्किट।
इसके पास क्या होगा, वेरिएबल ट्यून्ड सर्किट होगा। ट्यून्ड सर्किट का मतलब क्या हो गया, जिसमें एल और सी लगा हो गया, इंडक्टर और कैपेसिटर जिस सर्किट में लगा होगा उसको ट्यून्ड सर्किट हम लोग बोलते हैं। तो वेरिएबल ट्यून्ड सर्किट होगा एट द इनपुट एंड द आउटपुट साइड, दोनों इनपुट और आउटपुट साइड दोनों में क्या होगा, वेरिएबल ट्यून्ड सर्किट होगा। एट द इनपुट ऑफ रिसीवर, देखिए रिसीवर ये आपका रिसीवर है, रिसीवर के इनपुट में सबसे पहले क्या है, एंटीना है। देयर इज ए रिसीविंग एंटीना, यहां पे देखिए रिसीविंग एंटीना है। एट दिस एंटीना सिग्नल्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस दैट इज स्टेशंस आर प्रेजेंट, और रिसीविंग एंटीना के पास क्या होता है, डिफरेंट सारा स्टेशन से सिग्नल आता है जो यहां पे रिसीव होता है। अब आपको सेलेक्ट करना है जो कौन सा सिग्नल आपको लेना है। द फंक्शन ऑफ आरएफ स्टेज इज टू सेलेक्ट द डिजायर्ड सिग्नल एंड एम्पलीफाई इट। अब देखिए ये जो रिसीविंग एंटीना रिसीव किया सिग्नल को, उसको आरएफ स्टेज क्या करेगा, डिजायर्ड सिग्नल को रिसीव करेगा और उसको एम्पलीफाई कर देगा। आफ्टर दिस द एम्पलीफाइड इनकमिंग मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज अप्लाइड टू द डीमॉड्यूलेटर। जो आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल यहाँ पे मिला, जो डिजायर्ड सिग्नल मिला, उसको कहाँ अप्लाई कर देंगे, डीमॉड्यूलेटर के पास, और डीमॉड्यूलेटर क्या करेगा, डीमॉड्यूलेट कर देगा। डीमॉड्यूलेट मीन्स ओरिजिनल सिग्नल जो है आपको एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, मिल जाएगा। द डीमॉड्यूलेटर और डिटेक्टर डीमॉड्यूलेट्स द मॉड्यूलेटेड सिग्नल एंड दस एट द आउटपुट ऑफ डीमॉड्यूलेटर वी गेट मॉड्यूलेटिंग और बेसबैंड सिग्नल दैट इज ऑडियो सिग्नल। और हम अभी बता चुके हैं डीमॉड्यूलेटर के बाद जो सिग्नल मिलेगा वो कौन सा होगा, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या बेसबैंड सिग्नल या मैसेज सिग्नल या फिर ऑडियो सिग्नल मिलिए। तो यहाँ पे ऑडियो सिग्नल मिलेगा, फिर ये ऑडियो सिग्नल क्या होगा, दिस ऑडियो सिग्नल इज एम्पलीफाइड बाय ऑडियो एम्पलीफायर। ये ऑडियो एम्पलीफायर से जो आपका ऑडियो सिग्नल मिला वो एम्पलीफाई होगा, और उसके बाद आफ्टर दैट उसके बाद दिस ऑडियो सिग्नल इज फर्दर एम्पलीफाइड बाय ए पावर एम्पलीफायर अप टू डिजायर्ड पावर लेवल टू डिराइव द लाउड स्पीकर। और ये जो ऑडियो एम्पलीफायर एम्पलीफाई करेगा ऑडियो सिग्नल को, और किसको दे देगा, ऑडियो पावर एम्पलीफायर को, और ऑडियो पावर एम्पलीफायर क्या करेगा, सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा पावर लेवल तक, इस लेवल तक जो कि आपका लाउड स्पीकर यूज हो सके। द लास्ट स्टेज ऑफ दिस रिसीवर इज द लाउड स्पीकर। इस रिसीवर का, ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर का सबसे लास्ट स्टेज क्या है, लाउड स्पीकर है। और लाउड स्पीकर क्या है, ए लाउड स्पीकर इज ए ट्रांसड्यूसर विच चेंजेज इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू साउंड सिग्नल, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो ट्रांसड्यूसर क्या है, ट्रांसड्यूसर एक डिवाइस है जो आपको वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और आपका लाउड स्पीकर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड सिग्नल में कन्वर्ट करता है। वही माइक क्या करता है, देखिए ये आपका माइक है, इसका क्या काम है, ये साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, दिस इज माइक। अब देखिए ये तो हम लोग देखे, बहुत ही सिंपलेस्ट है ये आपका रिसीवर। देखिए आप डायग्राम से ही देख सकते हैं कितना सिंपल ये दिख रहा है, मात्र चार पांच स्टेज है, तो ये सबसे सिंपलेस्ट है। लेकिन इसमें क्या है, ड्रॉबैक्स है, कुछ खामियां है, तो हम लोग देखते हैं क्या खामियां है, और इसी खामियां की वजह से आपका सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर आया, सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर आया। तो देखते हैं क्या ड्रॉबैक्स है ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर का। तो देखिए पहला ड्रॉबैक क्या है, द टीआरएफ रिसीवर सफर्स फ्रॉम टेंडेंसी टू ऑसिलेट एट हायर फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द मल्टी स्टेज आरएफ एम्पलीफायर विथ हाई गेन एंड ऑपरेटिंग एट सेम फ्रीक्वेंसी। ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, ये जो आपका टीआरएफ रिसीवर है इसमें ऑसिलेट होता है, मींस ऑसिलेशन होता है हाई फ्रीक्वेंसी पे, मींस कांस्टेंट नहीं रह पाता है, वेरिएशन होने लगता है, फ्लक्चुएशन होने लगता है हाई फ्रीक्वेंसी पे। और जब आपका हाई गेन होता है हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, फ्लक्चुएशन होना होता है, ऑसिलेट करना शुरू हो जाता है, तो ये क्या हो गया इसका डिमेरिट हो गया। सेकेंड क्या है, द सेलेक्टिविटी ऑफ टीआरएफ रिसीवर इज पुअर। सेलेक्टिविटी क्या होता है, जो आपका
अनवांटेड सिग्नल है उसको रिजेक्ट करने का जो एबिलिटी होता है उसी को हम लोग सेलेक्टिविटी मीन्स, जो डिजायर्ड सिग्नल उसको सेलेक्ट करना और अनडिजायर्ड सिग्नल को रिजेक्ट कर देना। तो ये जो सेलेक्टिविटी है टीआरएफ रिसीवर का, ये पुअर है, इसका कम होता है, अच्छा सेलेक्टिविटी नहीं है। और अच्छा सेलेक्टिविटी नहीं होगा तो क्या होगा, नॉइज प्रोड्यूस करेगा, तो इसका सेलेक्टिविटी अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है बैंडविड्थ वेरिएशन ओवर ट्यूनिंग रेंज। ट्यूनिंग रेंज में क्या होता है, बैंडविड्थ का वेरिएशन होता है, बैंडविड्थ का वेरिएशन होगा तो ये अच्छा रिसीवर नहीं माना जाएगा। तो ये क्या है, इसका ड्रॉबैक्स है ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर का, जिसके कारण क्या हो गया, आपका सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर आया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर। ये तीन खामियां जो था, ऑसिलेट होता था हाई फ्रीक्वेंसी पे, सेलेक्टिविटी इसका पुअर है, और बैंडविड्थ वेरिएशन होता है ट्यूनिंग रेंज पे, तो इसी डिमेरिट के कारण क्या होगा, सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर आया, जिसमें क्या हो गया, ये तीनों जो डिमेरिट है इसका उसको हटाया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।